मंडला जिले के नागसिरा नवीगांव वाइल्ड लाइफ रिजर्व की तरफ से 18 जून को हर साल की तरह इस साल भी अभ्यास दौरा के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। जहाँ दोपहर के दूसरे शिफ्ट में पत्रकारों ने जंगल का भ्रमण किया, जहाँ एक साथ 5 टाइगर दिखे और अन्य प्राणी जैसे मोर, बायसन, जंगली सुअर, भालू, जंगली डॉग अन्य दिखाई दिए। साथ में पत्रकारों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। तो सफारी के बाद वरिष्ठ अधिकारी पवन जेव ने पिछले साल की तुलना में इस साल के वन्य जीवों की बढ़ने की बात कही और साथ ही पत्रकारों का मान सम्मान किया। इस अवसर पर पत्रकार के गार्ड के रूप में हेमराज गायधानी ने पत्रकारों की टीम को जंगल की जानकारी दी और साथ ही विकास भोसले सर, पवन तिखिले और अन्य अधिकारी पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों ने फॉरेस्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद कहा। जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वाइल्ड लाइफ के लिए, जिनका आवाज़ नहीं होता उनके लिए काम करता है, तो लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि वन विभाग का एग्जैक्टली काम क्या रहता है। तो स्पेशली अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की बात करें तो काफ़ी टेक्निकल तरीके से हम लोग टाइगर रिजर्व को मैनेज करते हैं। उसकी जो बारीकियाँ हैं उसको जो भी हम लोगों के प्रेस के साथी हैं उन लोगों को एक मैसेज पहुँचाने के लिए हम लोगों ने इस अभ्यास दौरे का नियोजन किया। पिछले 2 वर्ष से हम लोग ये कर रहे हैं, तो उसी के कंटिन्यूएशन में जो भी इच्छुक प्रेस के अपने भाई बंधु थे उन लोगों के हम लोग इन्हें ऑनलाइन तरीके से इनवाइट करके और अपना बेसिक जो भी बेसिक प्रोटोकॉल का इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाने का कोशिश की। पिछले साल से इस साल में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है वो बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर पार्टिसिपेंट कम थे। दूसरा फिर पिछले साल टाइगर का साइटिंग नहीं हुआ था, इस साल बहुत लोगों को टाइगर का साइटिंग हुआ। तीसरा हम लोगों ने डिवाइड किया अलग अलग स्लॉट्स में ताकि साइटिंग के प्रोबेबिलिटी बढ़े और बारीकियों से इंडिविजुअली हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए। तो नियोजन के लिए हम लोगों ने इस बार डिवीजन भी किया। तो ये 3-4 डिफरेंसेस। एनबीसी न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरी की रिपोर्ट।